नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधार आरसोली चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस पीटीटी बीएसटीसी स्पेशल संस्करण पार्ट 3 के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से जुड़े हुए परीक्षार्थियों के कमेंट्स की रिप्लाई के विषय में। दोस्तों, हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थियों के ये क्वेश्चन, कुछ प्रश्न, समस्याएँ आई हुई हैं जिनका हम आपके सामने ऑनलाइन समाधान करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप यह जान पाएंगे कि बीएसटीसी और पीटीटी में परीक्षार्थियों की कॉमन प्रमुख समस्याएं क्या है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आप भी अपनी समस्या हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे। मित्रों, हमारा यह चैनल आपके केवल पीटीटी बीएसटीसी सिलेक्शन तक ही नहीं है, अपितु वर्ष भर जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे तब भी आपके सामने बहुत सी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी आप लगातार हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई प्रत्येक वीडियो आप तक समय से पहुँच सके। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज की हमारी जो पहली कमेंट है वो कमेंट आ रही है ट्विंकल परी जी की तरफ से। ट्विंकल जी पूछ रहे हैं कि सर, बीएसटीसी कॉलेज की फ़ीस कितनी है। देखिए, बीएसटीसी कॉलेज की फ़ीस के विषय में हम पहले ही 3 पार्ट्स में वीडियो बना चुके हैं। इसका बड़ा कारण यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस वजह से हमारे द्वारा जो अपलोड की जाती है वीडियो वो नियमित रूप से आप तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसका लिंक आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हम आपको फ़ीस की तीनों वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप देख ली। फिर भी आपको बता दें, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की जो फ़ीस है वो 14,555 है। इसकी डिटेल हमने वहाँ पर आपको बता रखी है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ईयर की जो फ़ीस होगी वो 16,250 रुपये होगी, इसकी डिटेल भी आपको वहाँ से मिल जाएगी। अगली हमारी जो आज की कमेंट आ रही है वो जे स्टडी लाइन की तरफ से आ रही है। ये पूछ रहे हैं कि बीएसटीसी का रिज़ल्ट कब तक आएगा। बीएसटीसी रिज़ल्ट के विषय में हम इससे पहले भी एक वायरल जो टॉपिक चल रहा था उस पर वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था 25 जून से पहले आपका रिज़ल्ट किसी भी सूरत में नहीं आएगा, 25 जून तक आप इंतज़ार कीजिए। हमारी अगली जो कमेंट आ रही है वो विकास कुमार जी की तरफ से आ रही है। विकास कुमार जी पूछ रहे हैं कि बीएसटीसी या बीएससी बीएड कोर्स में से कौन सा बेस्ट है, प्लीज़ रिप्लाई। तो विकास जी, आपको बता दें, इसके ऊपर भी हमारी डिटेल्ड वीडियो बन चुकी है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूँ, यदि आप मेहनती स्टूडेंट हैं और टैलेंट है और अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, एडवाइस करूंगा कि आप बीएड कीजिए, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल करने के बाद में इतना तो तय समझिए कि आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर तक के जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी एडवाइस तो आपसे यही, हाँ, यदि आप जल्दी जॉब पकड़ना चाहते हैं और कम कंपटीशन में हासिल करना चाहते हैं तो आप भी एसटीसी करिए। और अधिक डिटेल जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज की हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो मिस्टर जाट हैं, ये पूछ रहे हैं, ये तो यूपी में हुआ है, राजस्थान का क्या पता। हमने एक वीडियो बनाई थी कि नई शिक्षा नीति में जो संशोधन हुआ था कि उसमें तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए इंटरव्यू हटा दिया गया है, ऐसा यूपी सरकार का नोटिफिकेशन हमने दिखाया था। तो आपको बता दें सभी को, ये बहुत आवश्यक जानकारी आपके लिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कोई नोटिफिकेशन गजेटी लागू करती है तो आपको बता दें स्टेट गवर्नमेंट उसको हूबहू अप्लाई नहीं करती है, क्योंकि स्टेट का मैटर सेंटर से अलग होता है। यहाँ फिर लोगों की राजनीति भी और परीक्षार्थियों बेरोजगारों को खुश करना भी ज़रूरी है। यदि हम इंटरव्यू तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में ही लगा देंगे तो फिर आप बताइए फर्स्ट ग्रेड जैसी भर्तियों में इंटरव्यू क्यों हटाया गया। तो इसलिए चूंकि ये जो सहायक गैर वर्ग की जितनी भी गैर श्रेणी के अंतर्गत जितनी भी जॉब आती हैं उनमें किसी भी सूरत में अपने उत्तर के स्टेटों में इंटरव्यू लागू नहीं होगा,
हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से आ रही है, सर BSTC में एक्स आर्मी में की कट ऑफ कितनी रहेगी? तो वीरेंद्र जी आपको बता दें, BSTC में एक्स आर्मी की कट ऑफ यही समझे आप, यदि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन श्योर है, आप बिल्कुल फीस की तैयारी कर लीजिए। हमारी आज की जो अगली कमेंट है, हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो मुकेश सोनी जी की तरफ से। मुकेश सोनी जी पूछ रहे हैं, सर रिजल्ट कब तक आएगा? मुकेश जी हम पहले भी कई बता चुके हैं आपको, 25 जून तक इंतज़ार कीजिए, 25 जून से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगली हमारी जो कमेंट आ रही है विनोद मेहरा जी की तरफ से आ रही है। विनोद मेहरा जी पूछ रहे हैं कि सर मैं दिव्यांग हूँ, मुझे BSTC गवर्नमेंट कॉलेज में पास होने के लिए कितने नंबर लेने ज़रूरी हैं? नाम है इनका विनोद मेहरा, डिस्ट्रिक्ट सीकर से हैं, OBC के अंतर्गत हैंडीकैप कैटेगरी में ये आते हैं। तो विनोद जी आपको बता दें, यदि आप हैंडीकैप हैं गवर्नमेंट BSTC डाइट से करना चाहते हैं तो ये मान के चलिए हैंडीकैप्ड के लिए आपको 360 प्लस मार्क्स तो ज़रूरी हैं ही, यदि 360 प्लस मार्क्स आपके हैं तो ही आपको गवर्नमेंट डाइट कॉलेज मिल पाएगा। अगली हमारी जो कमेंट आ रही है प्रमोद वर्मा जी की तरफ से, ये रिजल्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो प्रमोद जी आपको फिर बता दें कि 25 जून तक आपका रिजल्ट आ पाएगा, इससे पहले किसी भी सूरत में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगली हमारी जो कमेंट आ रही है अरविंद राठौड़ जी की तरफ से आ रही है। अरविंद राठौड़ जी पूछ रहे हैं कि सर BSTC 390 हो जाएगा क्या? तो राठौड़ हैं तो ये अनुमान लगा रहे हैं हम, ये जनरल में हैं। राठौड़ जी जनरल यदि कैटेगरी से हैं तो PTT में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में ही आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के टॉप 10 कॉलेज डालिए, आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है तुलसी राम जी की तरफ से, रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। अगली कमेंट धीरज कुमार जी, ये भी रिजल्ट के विषय में पूछ रहे हैं। तो दोनों साथियों को बता दें, रिजल्ट हमारा 25 जून से पहले नहीं आएगा, 25 जून तक आप इंतज़ार करिए। अगली हमारी कमेंट नोखा की आवाज़ बीकानेर से, सर पूछ रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी के लिए मैं कौन सी गाइड पढूं? तो आपको बता दें, मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी प्रिपरेशन की गाइड आ चुकी हैं, मैं यहां से आपको किसी पर्टिकुलर गाइड के लिए गाइड नहीं करूंगा, फिर भी आप प्रमाणिक ऑथेंटिक बुक्स जो प्रकाशन में हैं उनको आप पढ़िए। महेश चंद्र जी पूछ रहे हैं कि मैं UP स्टेट से हूँ, मुझे BSTC 2019 की काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? महेश जी सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट के लिए भी हमने वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा उसको देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूँ, आपने जो काउंसलिंग कराई है उसकी चालान की फ़ीस आपको बहुत ज़रूरी है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, हालांकि आपको जनरल कैटेगरी में यहाँ काउंट किया जाएगा। इसके अलावा इसी के साथ आपको जो अपने शैक्षणिक दस्तावेज हैं उन सभी की अंक तालिका और सर्टिफिकेट भी दोनों आवश्यक रूप से जमा कराने होंगे। तो और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो आ रही है, ये पूछ रहे हैं BEd में गवर्नमेंट कॉलेज होता है क्या? भाई बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है BEd में गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल है, और जो पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं इनके अंतर्गत आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो है प्रकाश कुमावत जी की तरफ से। प्रकाश कुमावत जी पूछ रहे हैं BSTC 2019 की फ़ीस। प्रकाश जी इस विषय में हम 3 वीडियो पूर्ण कर चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। भोले चौधरी जी पूछ रहे हैं 335 PCM OBC, तो भोले जी 335 यदि PCM में है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मान के चलें 335 में आपको ऑल राजस्थान ऑप्शन तो भरना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, इसलिए फर्स्ट काउंसलिंग में आप ऑल राजस्थान का ऑप्शन रख दीजिए। अगली हमारी कमेंट आ रही है विश्राम खरवाल की तरफ से, पूछ रहे हैं कि सर BSTC का रिजल्ट कंफर्म कब आएगा? भाई विश्राम जी पहले ही हम कह चुके हैं 25 जून से पहले किसी भी सूरत में नहीं आएगा, कंफर्म डेट तो हम क्या BSTC कंडक्ट करने वाली एजेंसी भी अभी नहीं बता सकती। अगली हमारी जो कमेंट है वो है लिचुदान चरण जी की तरफ से, पूछ रहे हैं सर कब से स्टार्ट है काउंसलिंग प्लीज़ बताएँ? OBC फीमेल 311 है, फर्स्ट च्वाइस मिल जाएगी क्या? तो भाई चरण जी आपको बता दें, OBC फीमेल में यदि आपके 311 मार्क्स हैं तो ये मान के चलें आपको श्योर कॉलेज मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको अपनी चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा।
और रही बात काउंसलिंग की, तो वो कल से 20 तारीख से 20 जून से स्टार्ट होने वाली है। इसकी भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है, ये पूछ रहे हैं सर BSTC 2019 फीस। सर हम पहले ही कह चुके हैं, फीस की डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगली हमारी जो कमेंट है प्रकाश पटेल जी की तरफ से आ रही है, ये पूछ रहे हैं कि सर OBC वालों को मिलेगी क्या स्कॉलरशिप। भाई OBC वाले फॉर्म तो अप्लाई करें, वैसे चांस कम ही होते हैं कि OBC वालों को स्कॉलरशिप मिले। अगली हमारी जो कमेंट आ रही है, BEd सेकंड ईयर में हूँ और BSTC पेपर दे कर आ रहा हूँ, 367 मार्क्स हैं। भाई BEd सेकंड ईयर में हैं आप, 367 मार्क्स हैं आपके, तो ये मान के चलें चांस तो हालांकि कम ही है, लेकिन काउंसलिंग कराएं तो आल राजस्थान ऑप्शन रख के देख लें। हमारी अगली जो कमेंट आ रही है वो मेघा राम जी की तरफ से आ रही है। मेघा राम जी पूछ रहे हैं, मेघराज जी, कि सर BA लास्ट ईयर एग्ज़ाम होना है, BEd हो सकती है क्या। बिल्कुल, रिजल्ट आउट होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप शामिल हो जाओगे, लास्ट ईयर वालों को मौका मिलता है। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो पांचल हिमानी जी की तरफ से आ रही है। सर मेरे BEd एग्ज़ाम में 209 हैं, क्या मुझे कॉलेज मिलेगी। OBC हूँ, फीमेल हूँ। यदि आप OBC फीमेल हैं तो OBC फीमेल में आपने आर्ट्स या साइंस से ये तो कैटेगरी नहीं बताई है, पर फिर भी आपको बता दें फीमेल हैं आप तो OBC में 209 में चांस, आर्ट्स में हैं तो हैं, लेकिन साइंस में है तो बिल्कुल भी आपको काउंसलिंग नहीं करानी है। आर्ट्स में भी करनी चाहते हैं आप तो आपको ऑल राजस्थान ऑप्शन देना होगा। अगली हमारी कमेंट आ रही है धनराज गुजर जी की तरफ से, इंटरव्यू का क्या कारण है सर जी। भाई धनराज जी क्लियर कर दें, निश्चिंत रहिए, इंटरव्यू होगा ही नहीं। गैर वर्गीय जितनी भी हमारे यहाँ पर सर्विस हैं उनमें इंटरव्यू नहीं हो सकता, आप निश्चिंत रहिए। जब भी राजस्थान में भर्ती होगी तो संशोधन के साथ यह शिक्षा नीति लागू होगी। शिक्षा नीति को हमने इसी वजह से, पिछली जो शिक्षा नीति थी उसके कुछ पॉइंट हमने आपको दिखाए जो हूबहू लागू नहीं हो सकते हैं। अगली हमारी जो कमेंट आ रही है वो बंटी गुजर की तरफ से पूछ रहे हैं कि ये जो BSTC आंसर की 2019 है, इसके हमने आंसरों को मिलान किया है। चलो ठीक है बंटी गुजर जी, आगे हमारी अगली जो कमेंट है दिव्या सिंह, फीमेल 415 प्लस आ रहे हैं, कॉलेज मिल जाएगा क्या। भाई आप फीमेल हैं और 415 प्लस मार्क्स हैं तो कॉलेज तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन आप कट ऑफ पॉइंट पे हैं, इसलिए फर्स्ट काउंसलिंग में तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को रखें। यदि फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आता है तो सेकंड काउंसलिंग में आप ऑल राजस्थान ऑप्शन रखें। अगली कमेंट में ये पूछ रही हैं रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट 25 जून से पहले आने वाला नहीं है। अगली कमेंट टिंकल परी जी, BSTC कॉलेज की फीस। सम टिंकल जी इसके बारे में बता चुके हैं, आप डिटेल हमारी वीडियो देख चुके हैं। रोहतास वर्मा जी, 4 ईयर PTT में मेरे 295 मार्क, 4 ईयर वालों के निश्चिंत रहें, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज अलॉट हो जाएगा आराम से। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है संदीप सिंह जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में BA BEd में 413 नंबर हैं 8 सब्जेक्ट से, क्या मुझे चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा आपको, अपनी पहली या दूसरी चॉइस ही मिल जाएगी, आप होम डिस्ट्रिक्ट के चॉइस के 4-5 कॉलेज ही भरें। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है वो तारे श्याम ब्रार जी की तरफ से, PTT आर्ट्स जनरल अदर स्टेट से 292 नंबर हैं, टॉप 10 काउंसलिंग से कॉलेज मिल जाएगा क्या। इनका हम आपको बता दें 292 पे आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन टॉप 10 कॉलेज की कह नहीं सकते, आप फर्स्ट काउंसलिंग में टॉप 10 कॉलेज रख के रख लीजिए, नहीं आता है तो सेकंड काउंसलिंग में ऑल राजस्थान ऑप्शन रख के आप करके देख सकते हैं। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है जे स्टडी लाइन ने की तरफ से, ये जीवन राम जी जोधपुर से, ये पूछ रहे हैं कि सर नई शिक्षा नीति का BSTC पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई जीवन राम जी, नई शिक्षा नीति का असर ये मान के चलिए आप इनमें से एक दो पॉइंटों को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो आपको इंटरव्यू का डर है वो बिल्कुल निकाल दीजिए, इंटरव्यू किसी भी सूरत में नहीं होगा। अगली हमारी कमेंट है राजू गमेती जी की तरफ से, सर मैं ST से हूँ, मेरे BSTC में 350 आ रहे हैं, क्या मुझे कॉलेज
मिल जाएगा क्या? एसटी में 350 है, बिल्कुल आप ये मानिए डेडलाइन पे हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में ही आप आल राजस्थान ऑप्शन रख दीजिए, वरना आपके लिए कोई चांस नहीं मिलेंगे। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो गंगाराम मीना जी की तरफ से, बीएसटीसी रिजल्ट, भाई गंगाराम जी क्लियर है, बीएसटीसी का रिजल्ट 25 जून से पहले आने वाला नहीं, आप निश्चिंत रहें। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो विनोद गवारिया जी की तरफ से आ रही है, ये पूछ रहे सर बीएसटीसी ओबीसी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? तो भाई विनोद जी आपको बता दें, बीएसटीसी ओबीसी की फाइनल कट ऑफ 420 से कम किसी भी सूरत में रहने वाली नहीं है। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है वो गुरतेज सिंह जी की तरफ से आ रही है, गुरतेज जी पूछ रहे सर मैं ओबीसी से हूँ, 299 नंबर बन रहे हैं, बीए बीएड में हो जाएगा क्या? गुरतेज जी आपको बता दें 229 नंबर होने के बाद बीए बीएड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस के कॉलेज ही रखना आपको मिल जाएंगे। दोस्तों आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कमेंट करें तो अपना नाम डिस्ट्रिक्ट जरूर डालें, मेल आईडी से हम आपको कंफर्म नहीं कर पाते हैं, और जिन साथियों ने नेम और डिस्ट्रिक्ट डाले मैंने उनकी कमेंट को शामिल करने का पूरा प्रयास किया, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम जब भी कमेंट डालें तो आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट दोस्तों ज़रूर डालें। इसी के साथ यदि आपकी और कोई अन्य क्वेरी है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कमेंट आ रही है वो है अमर सिंह जी की तरफ से, ये पूछ रहे हैं पीटीटी और बीएसटीसी दोनों एक साथ हो सकती है क्या? भाई किसी सूरत में नहीं होगी। अमर सिंह जी हमने इस पर वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा आपको, हमने क्लियर कर रखा है कि आप एक डिग्री और डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, दोनों डिप्लोमा एक साथ किसी भी सूरत में नहीं कर सकते क्योंकि डिप्लोमा दोनों रेगुलर होते हैं, इसलिए इसमें से एक आपको स्वयं पाठी होना ज़रूरी है। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है ये सर पूछ रहे हैं बीएसटीसी पटवारी तैयारी नाम से कोई इनका मेल है, ये पूछ रहे हैं कि 390 बन रहे हैं बीएसटीसी में और कॉलेज मिलेगा क्या जनरल से? तो जनरल में तो भाई चांस बहुत ही कम है, फिर भी फर्स्ट काउंसलिंग में आप ऑल राजस्थान ऑप्शन रख के देख लें। अगली हमारी कमेंट है सलीम जी की तरफ से, ये पूछ रहे हैं ये कोई ऐसा कॉलेज बताओ जहां रोज़ जाना नहीं पड़े। सलीम जी आप अपने नज़दीक किसी भी, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं आपने डिस्ट्रिक्ट का हवाला तो दिया नहीं, अब कैसे बताएं आपको, लेकिन फिर भी आप अपने नज़दीक के 4-5 कॉलेजों में मिला हो जाके यदि ऐसा हो सकता है, वरना आपको बता दें प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं लगभग सभी में ऐसा होता है, लेकिन आपको फ़ाइन के रूप में कुछ अलग से पैसे देने होते हैं। हमारी अगली कमेंट है दीपू चौहान जी की तरफ से, पूछ रहे हैं मेरे 320 नंबर हैं, मैं एससी में हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? दीपू चौहान जी 320 यदि मार्क्स आपके आ रहे हैं बीएसटीसी में, तो आपने कैटेगरी तो एससी है, तो एससी वालों का 320 में बिल्कुल भी चांस नहीं होगा बीएसटीसी में, आप भले ही कोशिश ना करें। अमीन खान जी पूछ रहे हैं मेरे सर ओबीसी में हूँ, 335 नंबर आ रहे हैं, कॉलेज मिलेगा क्या? ओबीसी में 335 कॉलेज बहुत कम चांस, कम क्या नहीं मिल पाएंगे अमीन जी, बहुत ही कम मार्किंग है। रोहित शर्मा जी पूछ रहे हैं सर 260 में पीटीटी में जनरल में नंबर आ जाएगा? 260 पीटीटी जनरल, बिल्कुल आल राजस्थान ऑप्शन रखना, फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज मिल जाएगा। हमारी अगली जो कमेंट आ रही है गोवर्धन लाल जी की तरफ से, पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा? गोवर्धन लाल जी रिजल्ट 25 जून से पहले बीएसटीसी का नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहें। अगली कमेंट बनवारी लाल गुर्जर जी पूछ रहे हैं सर बीएसटीसी के फॉर्म में कास्ट में ओबीसी हो गया और मैं गुर्जर एमबीसी हूँ, क्या संशोधन करवा सकते हैं? क्या और कहाँ करवाना पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, दो बार आपको डूंगर कॉलेज ने ऑप्शन दिया भी है, आपने ध्यान नहीं दिया, इस पर हमने एक वीडियो पहले बनाई थी। अब आखिरी बात यही है कि आप काउंसलिंग से करवाएं, उस करवा करके फीस करा करके आप एक बार ज़रूर डूंगर कॉलेज बीकानेर मिल जाएं, इससे नज़दीक आपका और कहीं समाधान नहीं हो सकता। ई मित्र का ऑप्शन बंधु अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों जिन साथियों ने अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट दिया था उनकी कमेंट को हमने लगभग शामिल किया, फिर भी जिन साथियों की कमेंट शामिल नहीं हो पाई, दोस्तों बहुत सी कमेंट हो जाती है, मैं सभी का रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूं, कुछ को ऑनलाइन लेकर के रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, यदि फिर भी कुछ साथियों की रह जाती है तो आप फिर से कमेंट कर लिख दीजिए, तो मैं आपकी कमेंट को थोड़ा प्रेफरेंस में रख लूँगा। साथियों फिर भी आपकी किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो आप हमारे चैनल पर इसके द्वारा पूछ सकते हैं। साथियों यदि वीडियो आपको पसंद आई
आई हो और भविष्य में इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को साथियों लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इतनी भावना के साथ मैं आपकी वीडियो लेकर आता हूँ, इसलिए एक लाइक तो वीडियो पर ज़रूर बनता ही है। साथ ही साथियों यदि हमारे चैनल की प्रत्येक अपडेट को आप समय समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भविष्य में हमारी जो वेबसाइट है www.gyandharaarsoli.com पर आपको BSTC, PTT और कंपटीशन संबंधी काफ़ी PDF और इनकी जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे इस ज्ञानधारा अरसोली चैनल के साथ में। नमस्कार।